उसको जिताना है। अशोक, बिल्कुल, जो कोरोना रूपी अंधेरा है उसको, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ये दिया जलाया गया था और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश थी कि कोरोना के खिलाफ जो जंग है, जो अंधेरा है कोरोना का, उसको मिटा के रहेंगे। एक मजबूती दिखाने की कोशिश थी जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी। हालांकि ये मैं पड़पड़गंज के इलाके में खड़ा हूँ, मिलन अपार्टमेंट में, यहाँ पर आप देखते हैं कि दिए अभी भी जल रहे हैं। बेशक कुछ घरों की लाइटें ऑन हो गई, लेकिन यहाँ पर लोगों में इस ढंग से उत्साह था, एक शक्ति प्रदर्शन लोगों ने किया था कोरोना के खिलाफ कि हम लोग भारत माता की जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए, शंख बजाए गए, जैसे युद्ध युद्ध का ऐलान होता है। तो यहाँ पर कोरोना रूपी युद्ध के खिलाफ, जंग के खिलाफ लड़ाई इन्होंने छेड़ी है, उसको हराने के लिए, उसको मिटाने के लिए। तो लोगों में, अपनी बालकनियों में, अपने दरवाजों पर आकर के लोगों ने एक एक, एक भावना दिखाई कि हम कोरोना को मिटा कर रहेंगे, कोरोना के खिलाफ जंग जो छेड़ी है उसको उसको हरा करके हम जीत के दिखाएंगे। ये लोगों में एक भावना थी, लोगों में एक जज्बा था, वो यहाँ दिखने को देखने को मिला। और ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें, पूरा देश देख रहा है, चारों तरफ अंधेरा है और देखिए किस तरह से प्रकाश पुंज को वो रोशन करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको आपको बता दें, बड़ी चुनौती इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, गृह मंत्रालय के सामने, देश के सामने, और उस चुनौती से लड़ने की, पार पाने की ये तस्वीरें हैं। देश के, हिंदुस्तान के, इस भारत के, हमारे इस मुल्क की एकजुटता का प्रतीक ये तस्वीरें, दो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। एक तरफ जहां ड्रोन कैमरे से नोएडा में इस वक्त किस तरह का माहौल है, आज तक ने वो तस्वीरें कैप्चर कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने दीप को प्रज्वलित किया और उसके बाद कई सारे दीपक जैसा कि आप जलते हुए देख रहे हैं, और ये दीपक यकीनन असत्य से सत्य की ओर ले जाने का मार्ग बताते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की दिशा बताते हैं। उजियारा जरूर आएगा, इस तरह का संकल्प देते हैं, कोरोना की हार जरूर होगी। हिंदुस्तान में बेशक इस वक्त कोरोना नाम का अंधेरा छाया हो, लेकिन भारत को, भारत के करोड़ों लोगों को भरोसा है कि ये अंधेरा अवश्य छटेगा। देश में पूरी तरह से लॉकडाउन है, करोड़ों लोग घरों में रहने को मजबूर हैं ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ये लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन आप यकीन मानिए, कोरोना को हराने के लिए इस वक्त सबसे मारक मंत्र भी यही है, जिसकी तस्वीरें पूरा देश इस समय आज तक के माध्यम से देख रहा है। और इसी क्रम में उम्मीद, हिम्मत और हौसले का दिया जलाकर आप और हम कोरोना से लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं और देशवासी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये जताना बेहद जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है कि देश का कोई भी वासी, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, देश के किसी गांव में बैठा हुआ हो, किसी शहर में हो, वो अकेला नहीं है। पूरा मुल्क इस वक्त एक साथ खड़ा हुआ है, देश का एक भी वासी अकेला नहीं है, सब साथ साथ हैं और साथ मिलकर ही कोरोना नाम की महामारी को हमेशा हमेशा के लिए हम दूर भगाएंगे और उसमें हम कृत संकल्प हैं। वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, के चंद्रशेखर राव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर आमो खास की ओर से दीप प्रज्वलित करके पूरे देश में एक बड़ा दीप प्रज्वलित करके कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जो इच्छा शक्ति को बल मिला है, वो हम सारे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे 130 करोड़ का देश एक साथ एकजुट खड़ा है और सफलतापूर्वक पूरी ताकत लगा करके कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 130 करोड़ देशवासियों के मन में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि अंधकार से रोशनी की ओर चलो, उजाले की ओर चलो, यह संदेश प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को दिया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लड़ने की ताकत बढ़ी है और हम सब लोग कोरोना से लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश साथ चल रहा है।